नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद झांसी के कस्बा मोट स्थित टीकाराम महाविद्यालय में नवंबर यातायात माह का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोटर संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और जब तक देश का युवा यातायात नियमों के लिए जागरूक नहीं होगा, तब तक देश में एक अच्छी यातायात व्यवस्था होना मुश्किल है। इसलिए जब अपने वाहन पर बैठकर घर से निकले तो अपने परिवार वालों के पास दोबारा लौटने के लिए यातायात नियमों का पालन करें, जिसके बाद एक एक कर महाविद्यालय के प्रवक्ताओं ने यातायात नियमों की आवश्यकता से विद्यार्थियों को अवगत कराया। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ राजेंद्र खरे ने यातायात माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। रखें कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखें और कैसे समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखें। आप होनहार युवा नौजवान हैं। युवा नौजवान सिर्फ अपने परिवार का नहीं होता, एक समाज भी आशा रखता है आपसे, राष्ट्र भी आशा रखता है कि जब जब जरूरत पड़े आप समाज को और राष्ट्र को नई दिशा दिखाएं। ये तो बहुत छोटी बात है कि जो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, रोड पर चलना दूभर हो रहा है,